कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। अभी पहला अध्याय पढ़ा रहे हैं, भारत का आकार और स्थिति। अगले दिन बताए थे कि भारत का क्या आकार है, उसकी स्थिति कितने अक्षांश और कितने देशांतरों के बीच है, उसके चारों तरफ कौन से देश हैं या उसकी सीमा क्या है। आज इस पाठ का एक अति लघुतरी प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं, जिसे लिखा है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। यानी अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है और फिर बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह, उनका नाम बताना, और फिर दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश है। तो इसका उत्तर अंतिम भी दिए हैं कि अगर अरब सागर में जो है लक्षद्वीप समूह, भारत का जो प्राकृतिक स्थिति है इसे निचला भारत है, ये अरब सागर है, इसमें जो है लक्षद्वीप समूह और ये बंगाल की खाड़ी है, ये लक्षद्वीप समूह है, आया अंडमान निकोबार द्वीप, ये दोनों द्वीप समूह हो गए, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार। इसके बाद फिर उसी में दूसरा प्रश्न पूछा है कि दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश है, भारत के दक्षिण में, तो इसमें दो हमारे पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव, ये दक्षिण में हमारे दो पड़ोसी देश है। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न उसी में है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े, वो कौन से देश है जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े, तो उसमें 6 देश जो है भारत से बड़े हैं और 7वां पर भारत का स्थान। उस 6 देशों में देखिए, पहला जो है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां ब्राजील और 6वां जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ये 7वां जो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, विश्व में बड़े देशों में 7वें नंबर पर जो है भारत का नाम, तो ये कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा है कर्क रेखा जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश के नाम से विख्यात है, या 23 अंश 30 सेकेंड। तो कभी कभी ये पूछता है कि 23 अंश 30 सेकेंड ये अक्षांश जो है भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है रेखा, अक्षांश रेखा, या तो यही पूछ देगा कर्म उसी को कर्क रेखा कर, कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात के भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, भारत के पिछड़े भाग से मध्य से होकर की गुजरती है, जिस पर ये प्राप्त करते हैं देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है कर देखा इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है। तो कभी कभी तो ये प्रश्न पूछता है कि भारत के किन किन राज्यों से कर रेखा गुजरती है, या 23:30 अक्षांश में गुजरती है। कभी कभी वो विकल्प में यह देखता है कि किस राज्य से जो है होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो अगर इन राज्यों के अतिरिक्त कोई भी दूसरा नाम, किसी भी राज्य का दूसरा नाम रहेगा तो उस पर टिक लगा दीजिएगा या विकल्प में उसको लिख दीजिएगा किस राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती, लेकिन इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इस तरह से हर पाठ में उसके अति लघुत्तरी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न है, इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है। तो हर तरीके के प्रश्न है इसमें से। तो आज हम आप लोगों को इस पाठ का जो अति लघुत्तरी प्रश्न था उसके विषय में हमने बताया, और अब शेष जो है अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।